अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पम्पकिन फ्लावर पकौड़ा। ये देखिए इस तरह से होता है ये फ्लावर। हमने अपने गार्डन में पम्पकिन लगा के रखा है। ये देखिए इतने बड़े हो गए हैं। अब इसको हम सीजर की मदद से काट लेंगे। ये देखिए ये हमने काट के रख लिया है। और देखते हैं, देखिए एक ये है, इसको भी काट लेंगे। देखिए और हैं, इसको भी हम काट के रख लेंगे। और ये देखिए हमने पम्पकिन फ्लावर तोड़ के रख लिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से धो के साफ कर लेते हैं। और ये देखिए हमने अच्छे से एक एक फ्लावर को खोल खोल के साफ कर लिया है, पानी से धो के एकदम क्लीन कर लिया है इसको। हमने एक कप चावल लिया था, जो डेली खाते हैं घर में वो चावल है ये। हमने भिगा के रखा है रात भर, ये अच्छे से फूल गए हैं। इधर हमने जीरा लिया है और ये सॉल्ट है, लाल सूखी हुई मिर्च है। देखिए हमने चार पांच सूखी हुई मिर्च ली है। लहसुन है, हल्दी पाउडर है, ये भी जाएगा। और ये बेसन है, हमने एक कटोरी बेसन ली है, ये भी डालेंगे। और इधर हमने एक मिक्सी जार लिया है, चावल में जो भिगा के रखा था उसको डाल देते हैं, सूखी हुई लाल मिर्च ये भी डाल देते हैं। अगर सूखी हुई मिर्च नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। लहसुन डाल देंगे, जीरा है ये भी डाल देंगे, हल्दी पाउडर है इसको भी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेते हैं। और ये देखिए हमने पीस लिया है इसको। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें बेसन है इसको भी डाल देते हैं, सॉल्ट है 1 टीस्पून इसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बैटर रेडी करते हैं। और ये देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। और इधर हमने सरसों का ऑयल पैन में डाल के रखा है, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब एक एक फ्लावर लेंगे, अच्छे से इसको कोट करेंगे। पैन में डालते जाएंगे। और ये देखिए हमने तीन फ्लावर डाल दिए हैं, ये फ्राई हो रहे हैं। अब लाइट गोल्डन हो जाए तो इसको हम पलट लेंगे। और अब हम इसको पलट के देख लेते हैं। देखिए दूसरी तरफ से भी इसको हम फ्राई कर लेते हैं।
और ये देखिए तो दोनों तरफ से अच्छे सिक गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पम्पकिन फ्लावर पकौड़ा रेडी है। ये देखिए अभी जल रहा है ये। बना के देखिए आप लोग भी, बहुत अच्छे बनते हैं ये। ये देखिए। अल्लाह हाफिज़।